नमस्कार, आज की मेरी ब्रेकफास्ट रेसिपी है सूजी और चावल के आटे का क्रिस्पी डोसा। ये बहुत जल्दी से तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, कुरकुरा सा लगता है, टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसका। तो मैंने इसके लिए 1 कटोरी चावल का आटा लिया हुआ है और 1 कटोरी मैंने सूजी ली हुई है, बारीक सूजी है ये। और मैंने ये जीरा तवे पर भून लिया है हल्का सा, लगभग 2 से 3 मिनट कम आँच पर, और इसको क्रश कर लिया है। और स्वाद अनुसार नमक डालूंगी मैं, और कुछ धनिया की पत्ती मैंने धो के रख ली जिससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और डोसा बनाने के लिए रिफाइंड ऑयल लिया हुआ मैंने, और इन दोनों को घोल करके बैटर बनाना है, एक पतला सा बैटर। तो बैटर मैंने ये बना के रखा हुआ पहले से, ये देखिए बैटर बनाया हुआ मैंने, और ये बैटर काफ़ी पतला बनाना पड़ता है तभी डोसे अच्छे क्रिस्पी बनते हैं। ये देखिए आप देखोगे कितना लिक्विड है ये देखिए, इस तरह से बनाना होता है। ये देखिए ऐसा होना चाहिए, ये गाढ़ा नहीं चाहिए हमें। मैंने इसको पानी से बनाया, चाहे तो आप इसे छाछ से भी बना सकते हो, दही भी डाल सकते हो, इसे डोसे का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अब मैं इसमें नमक डालूंगी, जीरा डालूंगी और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालूंगी। जीरा डाल देती हूँ जिसे मैंने भून के क्रश करके रखा हुआ, और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। और हरा धनिया डाल दूंगी। और अच्छे से मिक्स कर लूंगी। देखिए डोसे का बैटर तैयार हो गया है, हमने इसमें नमक, जीरा, हरा धनिया अच्छे से मिक्स कर दिया है। और ये बैटर बिल्कुल ऐसा होना चाहिए पतला। और डोसा बनाने के लिए मैंने तवा भी रख दिया है गैस पे, गैस ऑन कर दिया है। और जब भी हम डोसा डालेंगे तो बैटर को पूरी तरह घुमाएंगे हर बारी। और तवा गर्म हो चुका है, मैं इसमें ऑयल डालूंगी। तवा अच्छा गर्म हो गया है, मैं बैटर डालूंगी इसमें। और जालीदार डोसा बनाने के लिए हमें अभी फ्लेम तेज रखनी होगी। अब बैटर डालने के बाद अभी आँच हम मीडियम कर देंगे ताकि अच्छे से सिक जाए। 2 मिनट हो चुका है, मीडियम आँच पे मैं पका रही हूँ डोसे को। तो अब मैं थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ किनारे पे ताकि डोसा अच्छा क्रिस्पी भी हो, निकलने में भी आसानी हो जाएगी। कलर चेंज होने लग जाएगा डोसे का, फिर मैं इसे पलटूंगी। अभी थोड़ा सा टाइम और बाकी है। देखिए डोसे का कलर चेंज होने लगा, यहाँ पे हल्का सा ब्राउनिश कलर दिख रहा है, तो मैं इसे पलटूंगी। देखिए इसके किनारे अलग हो गए। ये देखिए कितना जालीदार और क्रिस्पी डोसा तैयार हुआ है। तो अभी मैं 2 से 3 मिनट एकदम कम आंच पे दूसरी तरफ से भी सेक लेती हूँ जिससे डोसा अच्छा सा क्रिस्पी हो जाएगा। देखिए डोसे को मैंने दूसरी तरफ से भी सेक लिया है कम आंच पे, और मुझे डोसा क्रिस्पी चाहिए इसलिए मैंने कम आंच पे सेक लिया। ये देखिए अच्छा कड़क हो गया है, आप देख सकते हो इसकी आवाज़ से बहुत ही अच्छा क्रिस्पी बना है। और पलट देती हूँ इसे, और अब मैं इसे प्लेट पर निकाल लेती हूँ। देखिए कलर
काफ़ी अच्छा से जालीदार क्रिस्पी डोसा तैयार हो गया है और मैं इसे प्लेट पे निकाल लेती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया जालीदार क्रिस्पी डोसा तैयार हो गया है। और इसी अब मैं फिर से एक डोसा तैयार कर लूँगी। तो अब हमें ये ध्यान रखना होगा, जब भी हम डोसा बनाएं तो हर बारी हमें ये बैटर को घोलना होगा और इसमें सूजी डली हुई है फूलती, अगर बैटर गाढ़ा हो रहा है और अगर जालीदार डोसा बनाने के लिए हमें ये बैटर को थोड़ा सा पतला ही रखना होता है। तो आप देख सकते हैं अगर ये गाढ़ा हो रहा है तो आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हो। और अब मैं ये डालूंगी इसमें बैटर। और जब भी डालेंगे तो आंच थोड़ी सी बढ़ा देंगे, क्योंकि जैसे हम बैटर डालें तो आंच तेज होती है तो ये जाली पड़ती है। और ठीक वैसे ही हम इस डोसे को भी अच्छे से सेक लेंगे। देखिए डोसे को मैंने कम आंच पे 2 से 3 मिनट पका लिया। अब इसका कलर चेंज होने लगा है तो मैं इसे पलट देती हूँ। मैं पलट देती हूँ। देखिए बहुत ही अच्छा डोसा तैयार हुआ है और काफ़ी अच्छी जाली आई है इसमें। अब दूसरी साइड से भी मैं 2 से 3 मिनट सेक लेती हूँ, अच्छे से पका लेती हूँ। इसी तरह मैं इस बैटर के डोसे तैयार कर लेती हूँ। सूजी और चावल के आटे का क्रिस्पी डोसा तैयार है खाने के लिए, जिसे मैंने सांभर और ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है। और ये डोसा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, जल्दी से तैयार भी हो जाता है। तो आप भी मेरे इस आसान सी डोसे की रेसिपी को जरूर ट्राई करिए, आपको पसंद आएगी। और मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।